फर्स्ट एप्लीकेशन है रोचक 482 है, क्वेश्चन ऑफ एफआईआर रोचक ऑफेंस इंटरसेक्शन वर्क क्या है, किस ग्राउंड पे क्वेश्चन मांग रहे हैं आप रोचक? काइंडली सी दी एफआईआर रोचक, ये टोटल फॉल्स एफआईआर रोचक, ये एफआईआर पेज नंबर फॉल्स एफआईआर 482 में थोड़ी ना देखेंगे, वो तो एविडेंस के बाद पता चलेगा फॉल्स है हमारे फादर की है, डेथ हुई इस वजह से हमने मैरिज नहीं की तो उन्होंने हमारे ऊपर 498 का केस दर्ज कर दिया, पर बाद में अपनी लड़की की शादी फॉल्स है या नहीं है तो बाद में देखेंगे। ये हमने ये बताइए और क्या ग्राउंड है फॉल्स के अलावा? लॉर्डशिप ये जो हमने आवेदन दिए थे पहले, हमको बगैर सुने हमने आवेदन भी दिया था 24/17 में कि हमारे खिलाफ ये झूठी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, तो पहले हमें भी सुना जाए। नोटिस नहीं, नोटिस सर्व हो गया है लॉर्डशिप, नोबडी इज अपीयरिंग, नो लॉर्डशिप, कब सर्विस हुई है? लॉर्डशिप 27/9/23 को। ये मोहनलाल कौन है? कंप्लेनेंट फादर है लॉर्डशिप। तो 498 का केस है ना? यस लॉर्डशिप। तो वाइफ को, वाइफ क्यों नहीं है? वाइफ को पार्टी नहीं बनाए क्या? इनने एफआईआर ही नहीं की है लॉर्डशिप, एफआईआर उन्होंने की होगी, एग्रीड पर्सन तो वाइफ है ना? बड़ी है एफआईआर क्या है लॉर्डशिप? ये लॉर्डशिप कंसर्निंग बात बता रहे हैं, 8/4/17 को दामाद के पिता चिंतामन की सर्प के काटने से मौत हो गई थी, जिससे मैंने उनके कार्यक्रम में गया था, तब बात थी कि शादी आगे पीछे कर सकते हैं, तब लड़के की माँ कुंदाबाई, दामाद चिराग और उसका बड़ा भाई अभिषेक व उसकी पत्नी पुत्र पत्नी मधु एक राय होकर बोले कि शादी तुम्हारे घर नहीं करना है, यदि शादी में 3 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल दोनों दोगे तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तब शादी नहीं हुई है? नहीं लॉर्ड, शादी नहीं हुई। यह स्टेट इसमें तो जो आवेदन है, मैं इस आवेदन को थोड़ा पढ़ देता हूँ। मैं प्रार्थी सोरेनसो रहने वाला हूँ, मैंने अपनी लड़की उम्र सोरेनसो की शादी सागर गुलाब कॉलोनी की चिराग सन ऑफ चिंतामन रोहित के साथ तय की थी। शादी की गोद भराई एवं रिंग रसम दिनांक 10/12/10/2/17 को हुई थी, जिसमें मैंने दान में सोने की अंगूठी, कपड़े, विदाई, खाना खर्चा किया। 498 ए पढ़ी है ना? हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड पढ़िए। हेलो, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी whoever being the husband, so when husband or their relative subject her to cruelty, then it is 498 abhi to shaadi hui nahi hai, shaadi ka record nahi hai, 3/4 ban, 3/4 ban, 498 is not been made, 3 and 4 hai, 3 and 4 only, jaise shaadi ka card aad bhi chhapwa liya tha sab, notice to respondent number 2 abhi to inhone unko कंप्लेनेंट जो है वो नहीं है लॉर्ड, हाँ इसलिए पिताजी ने कंप्लेंट फाइल करी क्योंकि शादी नहीं हुई है, और लड़के की शादी दूसरी जगह हो गई, पेज नंबर पे 19 पे भी उन्होंने लगाया, हमने फोटोग्राफ जगह भी हो गई, पेज नंबर 19 पे फोटो भी है, और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पड़ी, उसमें तो बनेगा, कहते बनेगा वो सर बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज दोनों टाइम बनेगा, 3/4 इज मेड आउट, नोटिस टू रिस्पोंडेंट नंबर 2 पेमेंट ऑफ फी, अच्छा अपीयर हो चुका है 27/9 को, सर भी हो गया, सर हो गया एक, तो ये 498 एक वैश कर देते हैं हम लॉर्ड, 3/4 चलेगा लॉर्ड, ये स्टेट कुछ कहना है आपको और 49 बाकी जो 294/506 है वो भी है, तो जान से मारने की धमकी वगैरह सब आया हुआ है, पर पहले रिलेशनशिप होना तो जरूरी है ना, क्रुएल्टी तो बाद में देखेंगे, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड सब्जेक्ट्स हर टू क्रुएल्टी 498 ए, आपके पड़ोस में एक महिला रहती है, आप उसको परेशान करना शुरू कर दो, आपकी वो पत्नी नहीं है, 498 ए बनेगा क्या? फिर आप उस पर क्रुएल्टी करने लगो, उसकी टायर से हवा निकाल दो, दुनिया भर का काम करो, तो 498 ए बन जाएगा? 498 लिखा है, एक सेकंड थोड़ा सा और।
भाई आप किसी दूसरी वुमेन को परेशान करोगे, क्रुएल्टी करोगे तो 498A थोड़ी ना बनेगा। मतलब इसमें 498A में है FIR, उसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, ए नहीं है। हाँ पढ़ी, ये इसमें तो इन्होंने 498A लिखा हुआ है, बाकी FIR में नहीं लौट सकते। FIR 498 पढ़िए, 498 कैसे बनेगा वो थोड़ा सा देखिए। Whoever takes or intakes away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man from that man or from any person having the care of her on behalf of that man, 498 तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। Petitioner has filed this petition under section 482 of Code of Criminal Procedure for quashing of FIR registered against the petitioner under section so and so. आपने ग्राउंड लिया कहीं? पति नंबर मैरिज का लिया है सर, कंप्लेंट एंड डॉटर मैरिज वाइज सर, उन्होंने सर ये बाद में बताया। अमेंड करिए पिटीशन लॉज, काउंसिल अपीयरिंग फॉर पिटीशनर प्रेस फॉर टाइम लॉज to file application for proposed amendment in memo of petition. Prayer is allowed after 2 weeks. जो petition में ये भी लिखा लौटते बिन्ने वो हम करते कि learner DMSC framed a charge of students, नहीं charge frame नहीं हुआ फिर, नहीं मैं order sheet लिखा है तेरा नंबर ना नहीं आया, DMSC ने frame कर दिया, नहीं 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 किया है सर वो, ये order sheet लगाई है A5 लिखा है लौटते बिन्ने, इसलिए कह रहा हूँ 9 नंबर फाइल थी उसको भी amend कर दी लॉज। फिक्स डोन लिखा है 18/5/23 डोंट आर्गू योरसेल्फ, अगर आपने लिखा है तो ठीक कर दीजिए।